हमारे पसंद वो है आज़ादी का महोत्सव और आज़ादी का अमृत। आज़ादी का अमृत जो शब्द है, अमृत जो शब्द है, ये तो बहुत बड़ा शब्द है हमारी ज़िंदगी में, जिससे इंसान अमर हो जाता है। तो ये आज़ादी का अमृत जो हमें बड़े ही नसीबों से मिला है, उस अमृत को शायद हम लोग भूल चुके हैं अपनी ज़िंदगी से। इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी महत्ता जो है, उसको भूल चुके हैं। सो ये जो विषय है, इसकी शुरुआत मैं करूँगी आज से बहुत से वर्ष पहले। हमारा जो भारत देश है, बहुत लंबे समय से सिर्फ अंग्रेज़ों की ही नहीं, इससे पहले भी मुग़लों की जो है गुलामी सहता आ रहा है। हमारा जो भारत देश है, ये ऋषियों मुनियों की धरती है, पीरों पैगंबरों की धरती है। शुरू से ही इस धरती पे धर्म कर्म के कार्य किए जाते थे, परंतु जब 400-500 वर्ष तक मुग़लों ने, बाबर, हुमायूं, अकबर, इन्होंने हमारे देश पर आकर राज्य किया, तो हमारे जो भारत के लोग थे, उनकी जो दशा धीरे 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 बिगड़ती शुरू हो गई। जहांगीर ने हमारे देश पर धर्म के नाम पर जो है वो लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। हमारा देश सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी नहीं, बहुत सारे बाहरी आक्रमणों से भी जूझता आया है। हमारे देश ने बहुत समय तक, बहुत वर्षों, सालों तक, सदियों तक जो है गुलामी को सहा है। आज हमें उस चीज़ की जो महत्ता है वो नहीं दिखाई दे रही, हम भूल चुके हैं। तो विद्यार्थियों के ऐसा है कि पहले तो मुग़लों ने अत्याचार किए, ठीक है, उन्होंने क्या हमें अपने तरीके से ज़िंदगी जीने नहीं दी, वो हमें अपने तरीके से धर्म कह रहे थे, ज़बरदस्ती अपना धर्म परिवर्तन करें, ज़बरदस्ती जुल्म कर करके वो मुसलमान बनाना चाहते थे। उसके बाद जब हमारा देश एक्चुअली शुरू से ही जो है वो अलग अलग राजाओं के अंदर बटा हुआ था, हर क्षेत्र अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग राजाओं था, पूरे देश में एकजुटता नहीं थी। इसी का फायदा जो था वो अंग्रेजों ने उठाया। जब अंग्रेज कलकत्ता के रास्ते से सिर्फ यहाँ पर व्यापार करने की नीति से आए थे, उन्होंने हमारे देश की कमियाँ देखी। हमारे देश में कमियाँ थी, अलग अलग राज्यों में देश बटा हुआ था, तो इस विषय पर उन्होंने देखा कि हमने इस भारत पर धीरे 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 पूरा पूरे क्षेत्र का अधिकार बड़े आसानी से जमा सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले कमजोर राजाओं को अपने नियंत्रण में करना शुरू किया। अंग्रेजों ने धीरे धीरे धीरे, ये एक दो साल वर्ष की बात नहीं है बेटा, 100-150 सालों तक अंग्रेजों ने हमारे देश पर धीरे 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 कब्जा करना शुरू कर दिया। सिर्फ व्यापार करने आए थे, हमारे देश के भोले भाले लोगों को उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया और हमारे पूरे देश पर धीरे धीरे कब्जा कर लिया और अपने तरीके से हमारे देश को चलाना शुरू कर दिया। मीलों दूर, कोसों दूर जो एक छोटा सा राज्य इंग्लैंड, वहां से ब्रिटिशर्स आए, छोटा सा, हमारा इतना बड़ा है भारतवर्ष, छोटे से आए, इतने इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने इतने बड़े देश पर राज्य कर लिया, कब्जा कर लिया। तो जो अंग्रेज आए थे उन्होंने हमारे देश के लोगों को अत्याचार करना शुरू कर दिया। उन्होंने हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान थे उन्हें नौकरी अच्छियाँ नहीं देते, अच्छी नौकरी नहीं देते थे, और भी जो थे लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया, अपने तरीके से उनको चलाना शुरू कर दिया। छोटे लोग जो थे, गरीब लोग जो थे, उनके साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। तो हमारे देश के लोग बहुत अत्याचारों से तंग आ चुके थे। तो जब अत्याचार की एक सीमा पार हो जाती है तो फिर विद्रोह शुरू होता है। तो हमारे देश में सबसे पहला विद्रोह 1857 में शुरू हुआ था, पर अंग्रेज, हमारे देश जो है एकजुटता नहीं थी, कुछ कमियों के कारण वो विद्रोह फेल हो गया। उसके बाद धीरे 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 धीरे, जैसे कि आपको गुरुदत्त सर ने बताया, हमारे देश में दो तरह के आंदोलन हुए। महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह से जो है वो आज़ादी प्राप्त करने की कोशिश की, और दूसरे जो नौजवान पीढ़ी थी उन्होंने अपने तरीके से आज़ादी प्राप्त करने की कोशिश की। इसी तरह से बहुत समय तक जूझते रहने के बाद, आपने भी देखा है बेटा, सुना है किताबों में, जलियांवाले बाग के जो घटना हुई थी उसमें हमारे अपने कितने लोगों की जानें गई थी। निहत्थे लोग थे, बिना कसूर उनको मार दिया गया गोली से। तो लोग अंदर से कितने दुखी होंगे,
सोचो आपको एक पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? सालों तक उस पिंजरे में रहना पड़े तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? बहुत बदतर हो गई थी हमारे लोगों की जिंदगी बेटा। फिर हमारे जो पूर्वज थे, जो उनकी बलिदानियों बलिदान के सदके, उनकी कुर्बानियों के सदके हमें 15 अगस्त 1947 का जो सूरज था वो देखना नसीब हुआ कि हम अपना देश में अपने तरीके से सांस ले सकते हैं, अपने तरीके से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो बेटा ये आज़ादी जो है बहुत ही मुश्किलों से मिली है, इसका महत्व समझिए कि आज आप अपनी मर्जी से कपड़े पहनते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ाई करते हैं, अपनी मर्जी से धर्म का चुनाव करते हैं, अपनी मर्जी से हर काम करते हैं, अपनी मर्जी से अपना प्रोफेशन चुनते हैं। तो उसके बाद जैसे कि सर ने बताया, संविधान हमारे पूरे देश की कमी ये थी, एकजुट नहीं थी था संविधान की वजह से पूरे भारतवर्ष की एक सरकार चुनी गई, पूरे भारतवर्ष को एक किया गया। आज हमारा देश पूरे विश्व में एक शक्ति के रूप में उभर रहा है, वो इसी वजह से कि हमारा देश एकजुट है, सब लोग मिलजुल कर यहाँ पे रहते हैं। पर वो सरकार चुनने की जिम्मेदारी किसकी है बेटा? वो सरकार चुनने की जिम्मेदारी हमें मिली है, हम लोगों को ये जिम्मेदारी मिली गई है वोट का अधिकार से। तो हम सब ने अपने वोट की वजह से वोट डालना है, वोट का अधिकार जो हमें मिला है उसका अच्छे से प्रयोग करना है ताकि जो हमारी सरकार हम जैसे चाहते हैं वैसी सरकार आए और हमारे जो भले के लिए काम करे, हमारे देश को और आगे लेके जाए। तो जो चुनाव होते हैं, आपको सबको एक बार जानकारी दे दूं कि चुनाव से हमारा एक वोट से हमारे भले की सरकार जो है वो चुनी जा सकती है। हमारे देश के एक केंद्र सरकार है, वहाँ पे लोकसभा है, लोकसभा के मेंबर जो है हम चुनकर भेजते हैं, लोकसभा में 545 मेंबर हैं और वो वहाँ पे सरकार बनाते हैं और पूरे भारतवर्ष के जो नीतियाँ हैं वो बनाते हैं वहाँ पे। उसके अलावा पूरे भारत को 28-29 राज्यों में बांटा गया है, वहाँ पे अलग से सरकारें चुनी जाती हैं। अभी जो ये जो चुनाव हो रहे हैं वो विधानसभा चुनाव है, जो हमारे पंजाब जो सरकार है उसको गठन करने के लिए विधानसभा चुनाव जो है वो करवाए जा रहे हैं। उसमें हमारे अलग अलग जो क्षेत्रों से संसद के मेंबर जो है, विधानसभा के जो मेंबर हैं वो चुने जाएंगे और वहाँ पे सरकार का गठन होगा। तो ये जो हमारे जो आजकल की जो यूथ है, जनता नए जो पीढ़ी आ रही है, उनको अपने वोट का महत्व का नहीं पता। तो विद्यार्थियों सब ने जो वोट डालना है हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है? इसका अधिकार हमने जरूर जरूर यूज करना है। और आज तक भी हमने देखा है कि जब भी पोलिंग होती है तो कभी भी 100% पोलिंग नहीं होती। तो आज हमने प्रण करना है कि हर बूथ पे 100% पोलिंग होनी चाहिए ताकि सही उम्मीदवार जो है वो जीत सके और हमारे देश में जो सरकार बने वो हमारे पंजाब को अच्छे तरीके से चला सके। तो मैं आपको फिर से बोलना चाहती हूँ कि जो ये आज़ादी है इसके महत्व को समझें। आज़ादी किस तरीके से मिली है, बड़ी मुश्किलों से मिली है। आप अपना जीवन जो है वो देश के नाम करें, अपना जीवन संवारें और वोट का जो अधिकार है उसका अच्छे से प्रयोग करें। और आपके आसपास जो लोग हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है वो भी सबको आप जानकारी दें। धन्यवाद। क्या